बेतियाहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर शनिवार को जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने किया। बैठक का संचालन जिला महासचिव जवाहरलाल मौर ने किया। बैठक में लोकसभा चुनाव में गोरखपुर एवं बांसगांव लोकसभा के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने पर चर्चा हुई। बैठक में जवाहरलाल मौर, लोकसभा प्रत्याशी राम भुआल निषाद, डॉक्टर मोहसिन खान, चंद्रपल्ली यादव, फिरंगी प्रसाद, अवधेश यादव, रजनीश यादव, मनोरंजन यादव, जफर अमीन डक्कू, अभिमन्यू यादव, यशपाल रावत, गंगा निषाद, माधो पासवान, मिर्जा कदीर बे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, सबसे ज्यादा पूरे विधानसभा में सबसे ज्यादा विधानसभा माननीय अध्यक्ष से सहमति लेकर अगले बार हम लोग नेता पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर मेहमद मुर्शी आदि नरसिंह यादव जी को सेवा के बहुत ही श्रद्धा करुणा निधान प्रजापति जी आदरणीय अध्यक्ष जी, कार्यक्रम में मौजूद गोरखपुर लोकसभा 64 लोकसभा गोरखपुर के शानदार प्रत्याशी में मौजूद हम सबके नेता पूर्व मंत्री पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहसिन साहब, बिंदा देवी सैनी जी, आदरणीय हमारे साथियों, समय कम है और विजय नंदन यादव जी का टोपी क्रांति की निशानी है और हमें मालूम है हमारे साथी क्रांतिकारी हैं और आगे चल करके समाजवादी पार्टी में तमाम साथियों को लेकर के आएंगे और हम लोगों का कारवां और आगे बढ़ाएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करेंगे। टोटल रणनीति आज के मासिक बैठक में चुनाव जीतने की बनाई जा रही है और हमारे सभी साथी चुनाव जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक एक बूथ पर हमारे सारे साथी बहुजन समाज पार्टी के सहयोगी दल के साथ, आरएलडी सहयोगी दल के साथ सामंजस्य बना करके हम लोग वोटों के समीकरण को समाजवादी पक्ष में कर लिए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार लाखों मतों के अंतर से हम गोरखपुर सीट जीतेंगे। पूर्व विधायक माधो पासवान जी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे चौरी चौरा से, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने का काम किया है।